सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई, आप लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि YouTube जो है अपना एक नया YouTube पॉलिसी लेकर के आ गया है, ठीक है, जिसमें कि आप लोगों के लिए भाई, जो भी आप लोगों के लिए क्या भाई, हम लोग जो भी जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं सभी के लिए एक मतलब कि कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सैड न्यूज़ टाइप से है, ठीक है। सैड न्यूज़ टाइप से इसलिए है क्योंकि भाई इसमें जो है YouTube ने पॉलिसी में अपना जो रीयूज्ड कंटेंट यूज करने वाला के लिए जो है ये क्या किया है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पर चेंजेस क्या क्या है आपको मैं वो दिखा देता हूँ। आप देखो यहाँ से, अगर आपको क्लियर अगर शॉट आ रही होगी तो आप यहाँ से इजीली वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रीएप्लीकेशन पॉलिसी में इन्होंने चेंजेस कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रीएप्लीकेशन पॉलिसी का यूजेज करता आखिर कौन है, ठीक है, किस तरह के मतलब पीपल को ये रीयूजेज पॉलिसी का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अनुसार देखो इसमें कि प्रॉब्लम क्या है कि इस पॉलिसी के अनुसार यहाँ पे आपको क्लियरली कट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि स्टार्टिंग जून 5, ठीक है, अभी अप्रैल मई जून 5 जून से ये वाला पॉलिसी जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आप रीएप्लीकेशन 30 days to 90 days कर दिया गया, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि किसी भी बंदे का चैनल अगर रिव्यू में गया, ठीक है, पहले ऐसा होता था कि किसी भी बंदे का चैनल अगर रिव्यू में गया तो उस बंदे का चैनल क्या होता था, 30 days में फिर से वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। किसी का चैनल मोनेटाइज है, सपोज करो कोई चैनल मोनेटाइज है, अगर वो किसी और का कॉपी कर लेता है या फिर अपना ही वीडियोज़ को फिर से अपलोड कर देता है, एक ही वीडियोज़ को फिर से अपलोड करता है तो उसका चैनल रिव्यू में, यानी कि भाई उसका चैनल फिर से डीमोनेटाइज हो जाता है और चैनल चला जाता है रिव्यू में। तो ऐसे समय में अब हमें क्या करना होता है कि हमको मोनेटाइजेशन के लिए फिर से अप्लाई करना होता है 30 days वेट करके, ठीक है, 30 days वेट करके हमें मोनेटाइजेशन के लिए फिर से वेट करना होता है। लेकिन यूट्यूब ने उस पॉलिसी को क्या किया है, चेंज करके 30 days से हटा करके उसको 90 days कर दिया गया है। और अगर आप मतलब कि दोबारा अगर आपका मतलब अगर फर्स्ट टाइम है तो आपको 30 days लगने वाला है, उसके बाद आपको 90 days लगने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर जो वीडियोस को मोनेटाइज करने का जो ऑप्शन है वो आपको जा करके 120 days में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पेज मेरे पास भी ओपन है लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली यहाँ से हर चीज़ समझ में आ सके, ठीक है, यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ सके। 90 days एक्सटेंड कर दिया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एकदम से अब क्लियर भाषा में आपको समझाता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको 120 days वाला पॉलिसी क्या है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्लिक क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू मेंबरशिप चैनल इज सस्पेंडेड फ्रॉम YPP यू विल नाउ हैव 120 days टू री इंटर द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तो भाई आप सभी को पता होगा कि जो भी बंदा जो भी यूट्यूबर बनता है तो उसको YouTube पार्टनर मोनेटाइजेशन के लिए पैसा अर्न करने के लिए मोनेटाइज होना बहुत ज़रूरी है उसके चैनल का, और मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ऐड जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे केस में अब क्या होता है कि वो क्या करता है कि मतलब मोनेटाइज तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो कंटेंट को रीयूज कर लेता है, अपना ही कंटेंट हो या फिर किसी और का कंटेंट हो उसको क्या करता है फिर से उसको अपलोड कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि YouTube जो है उसका या फिर ऐसा कोई काम कर देता है जिससे कि उसका YouTube का पॉलिसी जो हो वो बिगड़ जाए, तो YouTube क्या करता है ऐसे केस में उसका जो चैनल है उसको डीमोनेटाइज कर देता है और फिर से रिव्यू में सेंड कर देता है। अगर आप रीअप्लाई करोगे तो आपको 30 days का टाइम मिलेगा, तब तक में जिस भी कारण से आपका जो वीडियोज़ है चैनल है जिस भी कारण से रिव्यू में गया है आप 30 days का आपको टाइम मिलता था पहले, लेकिन अब जो है अपडेट के अनुसार क्या कर दिया गया है इसको, अपडेट के अनुसार इसको 30 days से बदल करके इसको डायरेक्ट क्या कर दिया गया है 120 days कर दिया गया है। अब आपको कम से कम 3 से 4 महीने इंतज़ार करने होंगे फिर से यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका पहली बार है तो 3 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका फिर से मतलब दोबारा आपका आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको 3 से 4 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा दोबारा से YouTube पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइन नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको 3 से 4 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो रिसेंटली ही अपना चैनल रिव्यू में था भाई, वो बाहर आ गया है, लेकिन आप देख सकते हो आज डेट हो गया आपको 5 मई, तो जून में नेक्स्ट मंथ से ये नियम लागू होने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस है। तो आप लोग भी बताओ कि कमेंट करके कि ये चेंजेस आप लोग को कैसा लगा, यूट्यूब ने सही किया या फिर ये नहीं करना चाहिए था, ये आप लोग अब कमेंट करके हमें बताओ। मेरा काम था भाई आप लोग को ये चीज़ बता देना कि यूट्यूब ने नया पॉलिसी में क्या लाया है। यूट्यूब ने नया पॉलिसी में और भी बहुत कुछ लाया है, वो भी आपको हम बताते हैं कि क्या क्या कुछ कुछ नया पॉलिसी लाया है।
तो आपको हम वो भी बता देंगे। पहले इस पे आप कमेंट करके बताओ ये पॉलिसी कहाँ तक सही है और फिर इस पॉलिसी में क्या चेंजेस होना चाहिए था, लेकिन क्या चेंजेस हो गया। दरअसल बात यहाँ पे यही है भाई कि अगर आपका एक बार अगर मेंबरशिप अगर आपका रद्द किया जाता है तो फिर आपको 120 डेज पर ही आपको दोबारा मेंबरशिप गेन आप कर पाओगे। अगर जिस भी कारण से आपका मेंबरशिप रद्द हुआ है वो कारण अगर आप सॉल्व कर लेते हो तब जा करके, ठीक है। अगर आपका दोबारा से रद्द कर दिया जाता है, जैसे सपोज करो आपने अप्लाई किया, ठीक है, और आपका जो अप्लाई किया लेकिन आपने वो कुछ भी चेंजेस नहीं किया जिसके कारण से आपका चैनल पे क्या हुआ था कि चैनल आपका रिव्यू में गया था, तो अगर आपका दोबारा से रद्द होता है तो अब की बार आपको 120 डेज का टाइम दिया जाएगा, 120 डेज आपको वेट करना होगा। इसमें ये पॉलिसी कहाँ तक सही है एक यूट्यूबर के लिए जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके वीडियोज बनाता है, तो ठीक है, तो कहाँ तक सही है कहाँ तक सही नहीं है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि ये चीज़ होता कैसे है, क्यों हो जाता है ऐसा, मतलब हर एक यूट्यूबर के साथ तो नहीं होता लेकिन कुछ कुछ के साथ होता है, इसका होने का कारण क्या है, आप इससे रिव्यू में जाए उससे पहले आप बच सकते हो इस तरह से बच सकते हो कि आप लोग हम लोग गलती क्या करते हैं जनरली कि या तो मतलब खुद का वीडियोज होता है जो हम दोबारा अपलोड करते हैं, वही टेक्स्ट वही वीडियोज सब कुछ वही होता है दोबारा अपलोड करते हैं, या फिर क्या होता है किसी और का कोई शॉर्ट क्लिप ले लेते हैं या फिर वीडियोज को ले लेते हैं उठा करके। तो और एक चीज़ होता है कि हम लोग एक ही फंक्शन का या एक ही प्रोग्राम का वीडियो सेम जगह का लोकेशन का हम लोग सेम चीज़ शूट कर रहे हैं, तो यूट्यूब के मन में कभी ऐसा आता है कि भाई ये लगता है इसी से मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वीडियोस यही है। जैसे सपोज करो कि आप कोई डांस प्रोग्राम सब में गए हो या फिर कोई नेता का भाषण सब स्पीच सब रिकॉर्ड कर रहे हो, वहीं पर आपके बगल में कोई और आदमी भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ तो सिमिलर, हर चीज़ सिमिलर हो जाएगा क्योंकि आप एक ही साथ हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना है, जैसे कभी आपने बीच में कुछ अपना कुछ ऐड कर दिया, अपने फेस के साथ कुछ ऐड कर दिया या फिर कोई अदर कोई सीन ऐड कर दिया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चेंजेज इस टाइप से रहना चाहिए, एक ही तरह से रहेगा तो फिर से रीयूज कंटेंट में उसको माना चला जाता है, तो जिसके कारण कि यूट्यूब जो है अपना मतलब पॉलिसी के अनुसार उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से उसका मेंबरशिप रद्द कर देता है। तो ये चीज़ नहीं करना है, हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ अलग करना है, हर वीडियोज़ में हर टॉपिक अलग करना है, हर वीडियोज़ में को अलग कुछ ना कुछ अलग करते रहना है और बेहतरीन ढंग से अलग तरीके से वीडियोज़ को बनाते रहना है। तो बाद में कि जो भी पॉलिसीज वगैरह है सब आपको यहाँ पर उसका अपडेट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल ही जाएगा, ठीक है, पॉलिसीज वगैरह का अपडेट आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल ही जाएगा। ये दरअसल मैंने एक ब्राउजर से मतलब कि यूट्यूब से ही मैंने यहाँ पे पॉलिसीज का आपको वीडियोस दिखाने का कोशिश किया, ठीक है, आप देख सकते हो पॉलिसीज में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, एकदम आपको मैं और जूम करके दिखाता हूँ, पॉलिसीज में एकदम ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई आप इसका जो है यूज आप बिल्कुल भी अभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पॉलिसी का आपको अगर देखना है तो भाई आपको इसको पीसी पे अपने डैशबोर्ड ओपन करो, वहाँ पे आपको इजीली ये पॉलिसी दिख जाएगा एकदम क्लियर, वहाँ पे भाषा में वहाँ पे आपको क्लियरली वहाँ पे बताया हुआ होगा ये चीज़। तो चलो भाई, आई होप कि आप लोग के पास जो जानकारी हमें देना था वो आप जानकारी आप लोग के पास पहुँच गया, अब आपको बताना है कि ये पॉलिसी सही है या फिर कुछ इसमें और भी चेंजेस होने चाहिए थे, ठीक है, ये आप लोग के पे डिपेंड करता है, कमेंट करके जल्दी से बता दो भाई। ओके, सी यू।